आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत तक नहीं हो तो स्टडी आईक्यू ऐप का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर जॉन लॉक की जॉन लॉक मॉडर्न कंट्रीज का पूरा ढांचा जॉन लॉक की फिलॉसफी पे बेस्ड है जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है पहले थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर दी मॉन्टेस्क्यू तो बाद में आए ना तब उन्होंने जॉन लॉक की इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया पहले थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दी रूसो ने यह कंसेप्ट ले लिया उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की किताब रूसो पे पूरी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है जॉन लॉक की बात करें तो आज दुनिया जो है ना इनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है जो इन्होंने बोला अब इन्होंने क्या बताया इस लेक्चर में हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रो कैपिटलिस्ट भी इनको बोला जाता है क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने प्रॉपर्टी को ही राइट right बता दिया प्रॉपर्टी को इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी को समझाया है अगर आप कम्युनिस्टिक मॉडल देखें तो उसमें क्या है प्रॉपर्टी को बांट दो स्टेटलेस है ना उसमें प्रॉपर्टी का आधिपत्य नहीं है लेकिन जॉन लॉक ने इतने अच्छे से प्रॉपर्टी की व्याख्या की है हम देखेंगे इनकी थ्योरीज की बात करेंगे और कैसे इन्होंने इंग्लैंड को बदला उस पर भी हम नजर डालेंगे अगर हम बात करते हैं संविधान में क्या क्या रहेगा जॉन लॉक अमेरिका जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करने के लिए लेकिन मैं आधे घंटे में इस लेक्चर को सीमित करूंगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं सर ने कमाल की किताब लिखी है क्योंकि बुक करिए हमारा ऐप आ गया आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ट्विटर पे मैं आ गया हूँ लेक्चर्स की अपडेट देता रहता हूँ ये रही मेरी आई देखिए इनकी सबसे पहले हम एक शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं ये एक इंग्लिश फिलासफर थे ठीक है पॉलिटिकल थिंकर थे सोलह में इनका जन्म हुआ था ठीक है इनकी पढ़ाई जो है वो इंग्लैंड में ही हुई थी लंडन में पढ़े ऑक्सफर्ड में पढ़े थे ये बेसिकली ठीक है ऑक्सफर्ड में पढ़े थे काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे ये और उसके बाद इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की ठीक है आपको बता दो कि डॉक्टर भी थे हाँ बैचलर डिग्री मिली अब वैसे तो इन्होंने पॉलिटिक्स पे बहुत कुछ लिखा लेकिन थे ये डॉक्टर ठीक है फिर इन्होंने एज अ सेक्रेटरी भी काम किया ट्रेड और प्लांटेशन बोर्ड जो था उस समय समझ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जॉन लॉक ने हर जगह हाथ आजमाए एजुकेशन बहुत अच्छी ली जॉन लॉक पढ़ते बहुत ज्यादा थे वैसे जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इरिटेट हो गए थे जो एक्स्ट्रा करिकुलम होता है ना उससे इरिटेट हो गए थे है ना परेशान हो गए थे कि यार जो कोर्स है साइंस है तो साइंस पढ़नी चाहिए ये क्या और भी चीजें रख दी है? है कि नहीं तो ये सारी चीजें हैं बट दोस्तों अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उस समय हो क्या रहा था देखिए जॉन लॉक के समय इंग्लैंड बदल रहा था है ना 1632 में इनका जन्म हुआ था अब दोस्तों मैं आपको अपने दो लेक्चर्स रिकमेंड करूंगा आपको वो देखने हैं एक वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम पे

थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक हम साथ साथ लेके चलेंगे क्यों साथ साथ लेके हमको चलना है जो इनकी टू ट्री ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट है ना ये सबसे इनकी फेमस किताब है इन्होंने बहुत कुछ लिखा लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है दो किताबें इसमें पहली थॉमस हॉब्स पे ही है ठीक है नहीं पहली है रॉबर्ट फिल्मर पे और दूसरी थॉमस हॉब्स पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हूं लेकिन दो किताब जो है वो इन्हीं दोनों को ही काउंटर करती है थॉमस हॉब्स को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जॉन लॉक थॉमस हॉब्स से इंस्पायर्ड थे जॉन लॉक्स ने थॉमस हॉब्स के ही आइडिया को आगे किया पहले फिलॉसफर जिन्होंने यह बताया राजा पे अंकुश रखना बहुत जरूरी है संविधान होना चाहिए वो थॉमस हॉब्स थे अभी हम उनकी भी बातें बात करेंगे हालांकि थॉमस हॉब्स पे मैं बायोग्राफी मैंने अभी तक तो नहीं कवर किया लेकिन मैं जल्दी कवर कर दूंगा मुझे शायद पहले थॉमस हॉब्स के बारे में आपको बताना चाहिए था बट कोई बात नहीं इसी लेक्चर में मैं दोनों को कंपेयर करूंगा क्योंकि विदाउट थॉमस हॉब्स आप जॉन लॉक को समझ ही नहीं सकते ठीक है तो हां तो मैं इंग्लैंड की बात कर रहा था तो अभी इंग्लैंड में क्या हो रहा है राजा निरंकुश है है ना भैया इस समय स्कॉटिश स्टुअर्ट है सोलह में इंग्लैंड का इतिहास मैंने पूरा कवर किया है स्कॉटिश स्टुअर्ट आ गए थे ठीक है ना ट्यूडर्स स्टुअर्ट वाइकिंग्स ये सब डायनेस्टीज है जो इंग्लैंड में चलती चली आ रही है तो 1605 में इनका क्या कहते हैं कि आ, मतलब इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था जेम्स वन थे जेम्स वन ने 1625 तक रूल किया उसके बाद उनका बेटा आया अब जो उनका बेटा था चार्ल्स अब वो क्या है निरंकुश है ना स्पेन से युद्ध लड़ने चला गया 1625 में मैं बता रहा हूं उस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा था था स्पेन से युद्ध लड़ने चला गया पैसा था नहीं टैक्स टैक्स लगाओ लगाओ अब इंग्लैंड में पार्लियामेंट तो थी मैग्ना काटा 1215 में यहां पे ऑलरेडी आ चुका था बिल ऑफ मतलब एक तरीके से यहां पर लोगों के राइट तो थे लेकिन इतने नहीं थे बारह में इंग्लैंड में पार्लियामेंट बन गई थी लेकिन वो राजा के अंदर थी समझ रहे हैं राजा के अधीर थी, अधीन थी जब राजा चाहता था तभी पार्लियामेंट आती थी और राजा अपने हिसाब से उसको यूज करता था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी एब्सोल्यूट मोनार्की थी विथ पार्लियामेंट लेकिन धीमे धीमे पार्लियामेंट बड़ी ताकतवर हो गई और जब 1625 में हम देखते हैं कि यहां पे जो राजा है वो निरंकुश हो गया तब पार्लियामेंट ने उसको रेकने की कोशिश की और पार्लियामेंट और राजा आपस में भिड़ गए इंग्लैंड में है ना और इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हो गई तो इंग्लैंड की सिविल वॉर 1639 से लेकर 1650 तक चली पहली बार 1639 से 1649 तक 10 साल चली ठीक है अब पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम पे मेरा वीडियो देखिएगा इसी दौरान इंग्लैंड में पहली बार पार्लियामेंट ने जीत हासिल कर ली 1649 से 1660 तक 11 साल तक इंग्लैंड ब्रिटेन एक आ, आ, रिपब्लिक हो गया मोनार्की से रिपब्लिक हो गया 12 पहली बार इतिहास में हुआ 12 साल तक 1648 से लेकर 1660 तक रिपब्लिक लोग चुन चुन के आएंगे यहां चुनाव होंगे बकायदा लोगों के हाथ में ताकत आ गई मोनार्की खत्म राजा को मार दिया लेकिन 1660 में जब ओलिवर क्रॉमवेल जो इस जीत के हीरो थे उनका जब 1658 में देहांत हुआ तब 1660 में दोबारा मोनार्की आ गई 1660 में दोबारा मोनार्की आ गई ठीक है ये जो पीरियड था 1640 से लेकर 1660 तक 20 साल का पीरियड इंग्लैंड के लिए बहुत ही थॉमस हॉब्स भी इंग्लैंड से भी थे जॉन लॉक भी एक बेसिक डिफरेंस दोनों में यह था मैं थॉमस हॉब्स को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थॉमस हॉब्स की छोरी को आगे बढ़ाया जॉन लॉक ने और जो प्रॉब्लम थी जो थॉमस हॉब्स ने नहीं बोला था वो बताया और कुछ चीजें काउंटर की तो थॉमस हॉब्स ने बहुत हिंसा देखी थी अपने समय में बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखा था जॉन लॉक ने ऐसा नहीं देखा जॉन लॉक ने सभ्य समाज की कल्पना की आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात ठीक है और जॉन लॉक पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे जॉन लॉक पॉलिटिक्स में आ गए हम ये देखते हैं कि ये विक्स विक्स पार्टी जो इंग्लैंड की 1670 में जब विक्स पार्टी बनाई गई थी इंग्लैंड की पहली पॉलिटिकल पार्टी है ये जिसको आज लेबर पार्टी बोला जाता है लेबरल पार्टी ठीक है तो इंग्लैंड की पहली विक्स पार्टी से एसोसिएट हो गई है समझ रहे हो तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे अब जॉन लॉक ने लिखी 1670 में टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट इनका सबसे बेहतरीन काम अब प्रॉब्लम ये है जब इन्होंने किताब लिखी पब्लिश 20 साल बाद की ठीक है मतलब इसी दौरान लिखी थी इन्होंने 1670s 80s में लिखी थी पब्लिश भी साल 1690 में इन्होंने किताब को पब्लिश किया पता है क्यों इसलिए देखिए अभी इंग्लैंड में एब्सोल्यूट मोनार्की है इंग्लैंड में वैसे अगर पूरी दुनिया में बात करें तो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स ये चल रहा था इसी की वजह से युद्ध होते थे इंग्लैंड का सिविल वॉर भी इसी वजह से हुआ था ठीक है तो भैया ऐसा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे एक फिलोसफर ने कोशिश की थी सिडनी सोलह में उसको मार दिया उसका गला काट दिया गया था तो जॉन लॉक को पता था कि अगर मैं कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलता हूं सरकार इन द सेंस उस समय राजा था राजा के खिलाफ बोलता हूं राजा अपने आप को डिवाइन मानता था डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग और वो उसको चर्च से प्राप्त होते थे तो चर्च और मतलब की किसी को कोई थी है ना तो अब हम ये देखते हैं कि इनको पता था अगर मैंने की ठीक है तो राजा मुझे मरवा देगा तो जब सोलह में रेवोल्यूशन आया ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया उसके बाद पब्लिश की तब आप बोल सकते थे राजा के खिलाफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ना अभी हम उसकी बात करेंगे ठीक है अब टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट में था क्या ये इंपॉर्टेंट है क्यों इन्होंने इतनी बार इतनी देर में पब्लिश की इसमें राजा को बिल्कुल साइड में रख दिया था सरकार कैसी होनी चाहिए ये बताया था क्रांतिकारी एक तरीके से किताब थी सो अस्सी सोलह सो अस्सी में पब्लिश हो जाती उसी समय क्रांति आ जाती लेकिन राजा क्रांति आने नहीं देता तो जॉन लॉक को मरवा देता इसी दौरान जॉन लॉक क्या नेदरलैंड भाग गए क्यों उनको पता था प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि अगल बगल जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था वो मारे जा रहे थे 1680s में नेदरलैंड भाग गए फिर अट्ठासी में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवल्यूशन पूरा मैंने कवर किया दोस्तों ग्लोरियस रेवल्यूशन कैसे आया क्यों आया सब कवर्ड है ठीक है दो लेक्चर मेरे देखिएगा वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम ग्लोरियस रेवल्यूशन आपको पूरी कहानी उसके बाद जॉन लॉक के लेक्चर को देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है फिर कभी भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से रिलेट कर जाएंगे

पॉलिटिकल थिंकर के लिए सबसे बढ़िया मौका है आसपास चीजें है। है? मुझे जॉन लॉक की सबसे बेहतरीन बात लगती है जो इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में क्या खूबसूरती से बताया है वाह मतलब मैं तो जब प्रॉपर्टी पहली बार जब जॉन लॉक को पढ़ा इन्होंने जो प्रॉपर्टी पर व्याख्या की है कमाल मतलब सच में

एक व्यवस्थित सरकार होनी चाहिए ठीक है जॉन लॉक थॉमस ऑफ पहले थे ये भी इंग्लैंड से ही आते हैं जॉन लॉक से पहले उन्होंने बोला राजा को अंकुश होना चाहिए राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए आवश्यकता है एक अच्छी सरकार की ठीक है आवश्यकता है कि जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करे एक व्यवस्थित सरकार होने चाहिए फ्रीडम होना चाहिए यहां पे, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए समझ रहे हैं यहां पे जो राजा अपने आप को सर्वोच्च मानता था मोनारकी हटाओ रिपब्लिक बनाओ ये थॉमस हॉब्स के कहने का मतलब था लेकिन प्रॉब्लम ये है थॉमस हॉब्स इसमें राइट्स की बात नहीं करते हैं एक सरकार जो है वो लोगों के लिए काम करती है ठीक है लेकिन लोगों के राइट्स क्या होंगे ये नहीं बताते थॉमस हॉब्स ठीक है थॉमस हॉब्स ने अपने हिसाब से व्याख्या की थी वो उस समय बहुत ही वॉयलेंस देख रहे थे ठीक है उस हिसाब से उन्होंने बताया था कि इंसान के पास कितने राइट्स होने चाहिए कैसे राइट्स होने चाहिए यह थॉमस ऑप्स ने नहीं बताया बताया था इसका मतलब यह है और सरकार के बारे में भी उन्होंने प्रॉपर एक एनालिसिस नहीं दिया था सरकार को उन्होंने बताया था कि हां सरकार बहुत अच्छी होनी चाहिए व्यवस्थित होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए लेकिन यहां पे सरकार और जनता के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए यह भी वो नहीं बता पाए थे तो इसमें सरकार तानाशाही भी हो सकती है ठीक है सरकार तानाशाही हो सकती है अगर यहां पे थॉमस ऑफ इंसानों के अधिकार की बात नहीं रख करते तो यानी कि उनके राइट सही नहीं यानी कि सरकार एक तरीके से लोगों पे आधिपत्य जमा सकती है और यहीं पे जॉन लॉक आते हैं यहीं पे जॉन लॉक आर्ग्यू करते हैं जॉन लॉक बताते हैं कि देखो ऐसा है जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास नेचर के दिए हुए कुछ ताकतें होती हैं कुछ राइट्स होते हैं हम जब पैदा होते हैं तो नेचर हमको राइट्स देता है थॉमस ऑप्स बताते हैं थॉमस ऑप्स यहां पे राज्य सरकार को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं इंसान जो है वो राज्य के बिना जी नहीं पाएंगे इंसान जो है अगर राज्य सरकार राज्य स्टेट जो है कंट्री जो है वो सही होगी तभी इंसान जी सकता है लेकिन जॉन लॉक ने बोला ऐसा नहीं है जॉन लॉक ने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया जॉन लॉक ने बोला हमारे हमको नेचर ने राइट्स दिए हैं आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं थॉमस हॉप्स ने बोला क्या बोला कि राज्य के बिना इंसान बेकार है इंसान जी नहीं पाएगा जॉन लॉक बोलते हैं बिल्कुल नहीं हम बिल्कुल पुराने एरा में चलते हैं जब हम गुफाओं में रहते थे तो क्या कोई सरकार थी नहीं कोई सरकार नहीं थी क्या कोई प्राइम मिनिस्टर होता था एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बिल्कुल नहीं सिंपल लिविंग अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी ट्राइब्स ऐसे हैं जो भारत में अगर हम बात करें उनको पूरी ऑटोनॉमी दी है अगर आप ट्राइब्स में जाएंगे ट्राइबल एरियाज में जाएंगे उनका अलग कल्चर है वो अपने हिसाब से रहते सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप करती ही नहीं वहां राज्य नहीं है मतलब टेक्निकली तो सब इंडिया में है जैसे कुछ ऐसी ट्राइब्स उनको तो ये भी नहीं पता आजाद हो गए मतलब आजाद की बहुत इतनी मॉडर्निटी आ गई है वो अपने हिसाब से रहते हैं अपने में मस्त रहते हैं और सरकार उनको छेड़ती नहीं है यानी कि हम जिंदा तो हैं सरकार तो राज्य तो वहां तक पहुंचा नहीं है सब कुछ राज्य के पास ही है लेकिन राज्य उसमें हस्तक्षेप करता नहीं है लेकिन तब भी हम जब पुराने जमाने में जब लाखों साल पहले जब इंसान आया तब वो गुफाओं में रहता था तब तो कोई सरकार थी नहीं तब हम कैसे जिंदा है तो जॉन लोग बताते हैं हमको राइट्स दिए हैं नेचर ने हमको प्रकृति ने राइट्स दिए हैं फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे ठीक है और इन राइट्स को कोई छीन नहीं सकता लेकिन इसकी व्याख्या अलग अलग होती है समझ रहे हैं जैसे राइट्स आप समझ रहे हैं अच्छा अभी अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है अभी थोड़ा सा बस बोलेगा। बोलेगा मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग व्याख्या होती है अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो सरकार क्या करती है सरकार ये जो नेचर के राइट्स है ना इन्हीं को ही फ्रेम करती है बस यही सरकार का इसमें इंपॉर्टेंस है मतलब अल्टीमेटली उन्होंने सिटीजन को सुप्रीम बताया ऑन दंट्री हॉप्स यहां थॉमस क्या कहते हैं वो बोलते हैं राज्य सुप्रीम है लेकिन ऑन द कंट्री लॉक क्या बोलते हैं सिटीजन आर सुप्रीम जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा सुप्रीम हैं जो सिविल सोसाइटीज है वो सुप्रीम है सरकारें उनके लिए काम करती हैं राज्य सरकार की बपौती नहीं है बल्कि सिटीजन की बपौती है जो लोग हैं वो अल्टीमेट है वो सुप्रीम है, है और सरकारें उनके लिए रूल बना रही है बस और कुछ नहीं है कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं अब इसमें जॉन लोग बताते हैं कि ये तीन तरीके से होता है एक जो कानून को बनाएगा दूसरा जो कानून को इंप्लीमेंट करेगा तीसरा जो देखेगा हनन तो नहीं हो रहा है किसी लॉ का आप समझे कि नहीं नेचर के लॉ को डिफाइन करने के लिए क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी हम सरकार को बनाते हैं और वही सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अगर भारत की बात करें तो भारत में संविधान सबके लिए एक है अलग अलग उसका व्याख्या थोड़ी ना है आप किसी से भी पूछेंगे फंडामेंटल राइट right की डेफिनेशन है वही बताएगा वो अलग अलग थोड़ी ना बताएगा समझे कि नहीं आप तो सरकार यूनिफॉर्मिटी देती है सेम सबके लिए अभी कैसे होता है इसमें एक जो है वो कानून बनाएगा दूसरा जो है इंप्लीमेंट करेगा और तीसरा देखेगा सबको सही चल रहा है कि नहीं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या बात है मॉन्टेस्क्यू याद आ रहा है बैलेंस ऑफ पावर मोन्टेस्क्यू ने ये बात में ये सिद्धांत दिया था ना सिद्धांत दिया था बहुत बढ़िया है नहीं है कि नहीं प्रिंसिपल दिया था और यही जितनी भी मॉडर्न गवर्नमेंट है लेजिस्लेटिव दीज आर दी थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी जॉन लॉक ने बोल दिया ये ये रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन इसमें जनता के पास ताकत है जनता इसमें सर्वोपरि है फिर बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो हमारे जो राइट्स है वो सबसे ज्यादा ह्यूम के पास है क्यों क्योंकि हम जो है इंसान जो होता है यहां पर इंसानों की बहुत अच्छे से व्याख्या की है जॉन लॉक ने बहुत ही विवेकशील है हम समझदार है भले ही हम स्वार्थी हैं लेकिन हम झगड़ालू नहीं है ये बताते हैं जॉन लॉक रैशनलिज्म जो है एक चीज हमको सारे स्पीशीज से सारी प्रजातियों से अलग रखती है रैशनल माइंड रैशनल थिंकिंग हम रैशनल है हम सोच सकते हैं हम तर्क कर सकते हैं जिसकी वजह से और यही राइट्स हैं जो हमको नेचर ने दिए हैं हम बिल्कुल अलग है सारी प्रजातियों से अलग है इसीलिए हम सर्वोपरि हैं सर्वोच्च हैं समझ रहे हैं

उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है और यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाद में रूसो ने बताया राजा का हित प्रजा के हित में है बस राजा वही करेगा सरकारें वही करेंगी जो लोग उनको करने को बोलेंगे ये तो क्रितर क्रांति ये तो क्रांतिकारी उल्टे विचार है ना उस समय जो चल रहा था इंग्लैंड में पूरी दुनिया में राजा के पास पूरी ताकत थी लोग जाए भाड़ में है कि नहीं यही हो रहा था लेकिन यह बिल्कुल ऑपोजिट विचार है।, है ना ये यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल समझ रहे हैं तो ये इन्होंने बोला कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हम सरकार और हमारे बीच में सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे हितों को पूरा करने के लिए और उसका कोई काम नहीं है यहां तक कि जॉन लॉक बोल देते हैं अगर सरकार गलत जा रही है जो सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हैं उसके खिलाफ जा रही है असंवैधानिक हो रही है जनता को पूरा हक है कि वो बगावत कर दे रिवोल्ट कर दे अगर सिटीजन को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं अगर कोई बहुत परेशान है तो जनता को यह अधिकार है यह अधिकार हमको नेचर ने दिए हैं रिवोल्ट कर दे सरकार के खिलाफ यह तक बोलते हैं सरकार राज्य सरकारों की बपौती नहीं है मेन चीज मेन क्रक्स और जनता असली मालिक है सत्ता की असली मालिक है जनता एब्सोल्यूट पावर बिलोंग्स टू जनता नॉट दी गवर्नमेंट हु इज रूलिंग समझ रहे हैं और ये जो सत्ता देते हैं नाम सरकार को शर्तों के साथ देते हैं और ये शर्त हमारी है जनता की शर्त है पांच साल जैसे भारत की बात करें पांच साल में अच्छा काम नहीं किया बदल देंगे तुम्हारी सरकार को जहां पे डेमोक्रेसी है जहां पे डिक्टेटरशिप है वहां तो मैं नहीं बोल रहा हूं जैसे रशिया हो गया इधर चाइना हो गया वो तो अलग ही है लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी है अमेरिका में भी यही होता है सिर्फ तुमको चार साल दे रहे हैं हमारी शर्त है ये, ये तुमको करना है हमारी शर्तों पे सरकार काम करती है और हम सवाल पूछेंगे ये सब जॉन लॉक को बोलते हैं कितने क्रांतिकारी मतलब आप देखिए उस समय आप अपने आप को अपने मतलब अपने आप को उस वक्त में आप रख के देखिए तब आप समझ समझ पाएंगे कि मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूं और आज भी ये विचार बहुत क्रांतिकारी है आज लोग सरकार से सवाल पूछने में डरते हैं आप लोग इतने ले, ये लेक्चर सुन रहे हैं आप खुद ही अपने से पूछिए कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं खुद ही अपने से पूछिए कि कितनी बार आपके अधिकार मारे गए हैं है कि नहीं लेकिन हम सब कुछ चुपचाप सहते हैं हर इंसान कभी ना कभी करप्शन का शिकार हुआ है हर इंसान कभी ना कभी बदतमीजी का शिकार हुआ है सरकारों ने हमारे साथ कई बार बदतमीजी की है लेकिन हम चुपचाप सुनते हैं है कि नहीं लेकिन जॉन लॉक बोलते हैं कि बिल्कुल सुनो नहीं बगावत का अधिकार है यहां पे जनता को यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सरकार को निरंकुश नहीं होना है प्राकृतिक कानून की व्याख्या करेगी बस सरकार और कुछ भी नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा जैसे थॉमस थौम, हॉक्स कहते हैं कि अगर ऐसा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो एनआर फैल जाएगी निरंकुश मतलब राज्य बहुत जरूरी है लेकिन जॉन लोग कहते नहीं बिना राज्य के भी सब कुछ बढ़िया है पहले भी चल रहा था अभी भी सही है फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पे आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिफाइन किए हैं ठीक है थीके? अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें यहां पे अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो ये बताते हैं कि देखो ये प्रॉपर्टी राइट्स इंसानों के पास होती है जैसे मान लीजिए कुत्ते बिल्ली हैं है ना उनके पास कोई राइट्स नहीं है दे डोंट एनी राइट्स हमारे पास राइट्स है क्योंकि हम रैशनल हैं हम तर्क कर सकते हैं अगर मान लीजिए कि कोई बिल्ली सोने का हार पहन के घूम रही है तो आप अगर उससे सोने का हार चुरा रहे तो वो कोई गुनाह नहीं है क्योंकि उसके पास कोई राइट्स नहीं है सोने का हार उसने खरीदा नहीं है समझ रहे हैं लेकिन इंसान मेहनत करता है दिन रात मेहनत करता है और उस प्रॉपर्टी को खरीदता है तो प्रॉपर्टी उसकी है प्रॉपर्टी राइट्स को उन्होंने बताया है इंसान मेहनत करके प्रॉपर्टी को अर्जित करता है एक जमीन या कुछ भी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है सोना हो सकता है एनीथिंग ठीक है टैंजेबल इन एसेट्स मेहनत करके एक मकान बनाने में दोस्तों जो उसको कितना टाइम लगता है बीस तीस साल बल्कि उतने में भी नहीं बनता मकान मेहनत करके पाई पाई जोड़ के इंसान प्रॉपर्टी को खरीदता है तो प्रॉपर्टी राइट इंसान के हैं उसका अगर हनन हुआ तो यह गलत होगा बहुत ज्यादा गलत होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉस लाइफ टी एंड प्रॉपर्टी फ्रेटर्निटी नहीं प्रॉपर्टी तो इसीलिए इनको कभी कभी प्रो कैपिटलिस्ट बोला जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी जहां पर आ जाती है तो वहां पर कैपिटलिज्म भी आता है, है ना है कि नहीं अल्टीमेटली इट सॉल्व रिलेटेड टू प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कैपिटलिज्मी वे मैं उसमें नहीं जाऊंगा कार्ल मार्क्स में मेरा लेक्चर देख लीजिएगा फिलहाल ठीक है तो इंसान हार्डवर्क करके यहां पर पे एक पेड़ है आम का पेड़ है उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं सबके लिए, सब लिए है वो आम सबके लिए है लेकिन जो इंसान मेहनत करके आम तोड़ेगा वो आम उसके होंगे प्रॉपर्टी सबकी है ठीक है लेकिन जो इंसान मेहनत करके उस प्रॉपर्टी को अर्न करेगा फिर वो उसका राइट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे प्रॉपर्टी की व्याख्या की है समझ रहे हैं उसके बाद यहां पे जो नागरिक संस्थान होते हैं जैसे एनजीओ ठीक है ना अब एनजीओ जो है ये क्या करती हैं इन्होंने बताया है ये जो एनजीओ होती हैं मतलब उस समय तो उन्होंने ऐसे सिविल एसोसिएशन बताए थे ये कॉन्ट्रैक्ट है यहां पे सरकार और सिविल एसोसिएशन क्या करती है, ये देखती है सरकार कहीं गलत तो नहीं जा रही जैसे अन्ना हजारे अन्ना हजारे लोकपाल बिल के लिए लड़ गए थे अब वो तो एक एनजीओ ही चलाते थे ना उनकी एनजीओ है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थोड़ी ना आएंगे कभी नहीं आएंगे वो पॉलिटिक्स में लेकिन उसके बावजूद सरकार को राह दिखाने के लिए जमीन पे उतर गए ताकि नागरिकों का हक बरकरार रहे भैया वो भी तो एक रेवोल्यूशन ही था एक तरीके से आंदोलन था है कि नहीं भले अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाया हूँ तो ये जॉन के हतिक, अधिकार है जॉन यहां पे इंडिविजुअल पे पे राइट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जहां कि थॉमस हॉब्स ज्यादा फोकस करते हैं राज्यों पे। थॉमस हॉब्स की जब मैं बायोग्राफी करूंगा तब मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा यहां तक कि जॉन लॉक बोलते हैं सुसाइड करना भी इनिगल सुसाइड करना भी आप प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं नेचर ने आपको यह अधिकार नहीं दिए हैं ठीक है